हमारी बीवी ने हमें जगाते हुए कहा, जरा सुनिए तो सही, हमारे घर पर छापा मारने वाले आ गए। हमने करपट बदलते हुए कहा, उनसे कहो मार करें और आगे जाए। बीवी ने कहा, आपको गलतफहमी हुई है, ये वो लोग नहीं है जो मार कर देते हैं, ये तो छापा मारने वाले हैं, उनका माफी से क्या काम। हमने एक और करपट बदलते हुए कहा, कौन से छापा मारने वाले, जो छापा मारने वाले भी कई किस्म के हो गए, इनकम टैक्स के छापामार, सीबीआई के छापामार, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, कमर्शियल टैक्स और न जाने किस किस के छापामार, पहले पता तो करो कि किस डिपार्टमेंट से। हमारी बीवी ने कहा, तुम कुछ जाकर पूछ, मैं पूछूंगी तो कहीं वापिस न चले जाए, मुझे तो सूरत से छापा मारने वाले कम, और ये कहकर वो रुक गए। उस वक्त तक हम नींद के कुमार से निकल आए। जब हमें पता चला कि हमारे घर सचमुच छापा मारने वाले आए हैं, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हमने बेगम से कहा, मैं ना कहता था कि एक दिन हमारा कुमार भी बड़े आदमियों में होगा, खुदा का शुक्र अदा करो आज उसने हमें ये इजाज़त बख्शा है। अगर कि लक्ष्मी कभी हमारे घर नहीं आई, लेकिन छापा मारने वाले तो आ गए हैं, तुम जल्दी जल्दी उन सारे अहबाब और रिश्तेदारों को इस खुशखबरी की इत्तला दे दो, जो हमें देख लेकर बिना वजह हसद की आग में जल गए। उन्हें मजीद जलाने का इससे बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता। बेगम ने कहा, कैसे इत्तला दूं, टेलीफोन का बिल बार वक्त अदा न करने की वजह से आज ही तो हमारा टेलीफोन कटा। इतनी बार उनसे कहा कि हमारे टेलीफोन का जो बार बार कट जाना अच्छा नहीं, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। हमने कहा, तुम पड़ोसी के यहां जाकर टेलीफोन करो, मैं इतनी देर में छापा मारने वालों से निपटता हूं। हम दीवान खाने में आए तो देखा कि चार पांच दशा दीवान खाने की हर चीज को निहायत और से देख रहे हैं, और देखने से ज्यादा उन्हें परख रहे हैं। उनके अवसर आला ने हमसे कहा, माफ कीजिए, हम आपके घर छापा मारने के लिए आए। हमने कहा, रे नसीब, जरूर छापा मारिए, हमें तो आप ही का इंतजार था। अफसर ने कहा, इसका मतलब ये होगा कि आपको हमारी आमद का पहले ही से पता था। हमने कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं, अगर आपकी आमद का पहले से पता होता तो हम आपको यूं छोटे हुए मिलते, हम तो आपके खैर मंदिर के लिए घर पर जलाना करते और गरीब के मुक्का पर एक खैर मंदिर कमान नौकरी कर देते। अफसर आला ने कहा, देखिए मजाक बंद कीजिए, पहले हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। हमने कहा, जरूर लीजिए, मगर ऐसी भी चाहते हैं, पहले चाय वाला तो पीजिए। हमने अपने कुछ सहाफी दोस्तों और फोटोग्राफरों को फोन पर इत्तला देने के लिए कहा है कि वो जल्द अज जल्द यहाँ आ जाए, वो आ जाए तो तलाशी जरूर ले। अफसर आला ने कहा, आपने सहाफियों और फोटोग्राफरों को क्यों बुलाया, आप ही अजीब आदमी है, लोग तो छापे की इत्तला को छुपाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा, ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर पर छापा पड़े और उसकी इत्तला अखबारों में ना, फिर छापा मार, छापा रोज रोज तो पड़ने से रहा, अखबार वाले आ जाए तो जरा मजा आ जाएगा, हमारे घर से अगर कोई चीज न भी मिले तो अखबार वाले अपनी खबर में निकाल देंगे, जिस तरह हमारी इज्जत और एहतराम में जरूर इजाफा होगा। छापा मार टीम का अफसर हमसे ये बातचीत कर ही रहा था कि अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज है। देखा तो मालूम हुआ कि टीम के कारिंदे ने हमें वो लाकीमत और बेमिसाल दीवानी हिराई घड़ी गिरा दी है, जो हमें अपने वालिद से और हमारे वालिद को उनके वालिद से वृक्ष में मिली थी। ये घड़ी फ्रांस के घड़ी साल में 1857 में उस वक्त तैयार की थी जब हिंदुस्तान की पहली जंगी आजादी लड़ी जा रही थी। हमारे पास ये घड़ी पिछले 50 वर्षों से थी, इससे पहले ये हमारे वालिद के पास थी। उनका बयान था कि उनके पास ये घड़ी कभी नहीं थी, लगभग 100 वर्ष से यह घड़ी चल सकता 35 मिनट बजा रही थी। ये मालूम नहीं था कि दिन के चल सकता 35 मिनट बजा रही थी क्या, अलबत्ता मशहूर यह था कि जिस वक्त हमारे दादा का इंतकाल हुआ था, उसी वक्त हमारे काया ने घड़ी को चलने से रोक दिया था। गोया पिछले 100 वर्ष से वो हमारे अहले खाना को हमारे दादा के मरने का वक्त बता रही थी। हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि भले ही ये घड़ी न चले, लेकिन इसमें एक खूबी यह है कि दिन में कम से कम 2 दफा बिल्कुल सही वक्त बताती है। जीकर घड़ियों की घड़ी बिल्कुल नहीं थी जो दिन के किसी भी वक्त में सही लग पाई और सही वक्त नहीं होता। ताहम इस घड़ी में हम वक्त नहीं देखते थे, बल्कि अपने असलाफ के कारनामों को ढूंढते थे। जैसे ये दीवारी घड़ी गिरी, हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। हमने कारिंदे को जाकर पकड़ा कि मियां, जब तक इस घड़ी का मुआवजा हमें अदा नहीं किया जाता, तब तक तुम किसी और चीज को हाथ नहीं लगाओगे और मजीद तलाशी की इजाजत हम नहीं देंगे।
अफसर आला ने मदद करते हुए कहा आप इत्मान रखें आपको इस घड़ी का मुआवजा मिल जाएगा। हमने कहा मगर मुआवजा क्या होगा पहले ये बताइए। अफसर आला ने घड़ी के टूटे हुए पुर्जों का जायजा लेने के बाद कहा आपको इस घड़ी के 50 रुपये मिल जाएंगे। हमने किए पर कहा क्या कहा 50 रुपये भाई साहब मैं इस घड़ी के 50 लाख रुपए तक हमने नहीं लूंगा। आपने इस घड़ी को क्या समझा है हमारे बाप दादा की निशानी है। जिस फ्रांसीसी कारीगर ने ये घड़ी बनाई थी अगर इसके अहले खानदान को इस घड़ी का पता चल जाए तो वो करोड़ों रुपयों में इसे हमसे खरीद लेंगे। हम ये बहस कर ही रहे थे कि कुछ साहब की दोस्त हजरात साहब के हजरात पर फोटोग्राफर वहां आ गए। हमने उन्हें सारा मामला कह सुनाया और बताया कि इस कदीम घड़ी के दाम पर हम में और छापा मारने वालों में इख्तलाफ रहना पैदा हो गया। वो हमें 50 रुपये देना चाहते हैं और हम इसके 50 लाख से कम नहीं देना चाहते। वो तो अच्छा हुआ कि एक झांसी का सचिन सराफी ने इस घड़ी के टूटे हुए जल पुर्जों का बहुत जायजा लेने के बाद कहा कि इसका दाम आसानी से 1 करोड़ रुपया भी मुतयन किया जा सकता है। लेकिन जब तुमने 50 लाख रुपए तय कर दिया है तो चलो यही है। इस घड़ी की कीमत इसके जल पुर्जों से नहीं बल्कि उसकी उम्र से लगाई जानी चाहिए। भले ही वो 20वीं सदी में 1 मिनट के लिए नहीं चली लेकिन उसने पूरी 1.2 सदी को गुजरते हुए देखा है। इस घड़ी से तुम्हारे अरकान खानदान का जो रिश्ता है वो ऐसा बेश कीमत है कि इसका मामला तो कोई अदा कर ही नहीं सकता। फिर भी तुमने कह दिया तो 50 लाख रुपए लेकर मामले को रखा कर पा। इस इस्तेदाल के बाद अफसर आला ने अपनी टीम के कारिंदों से कहा कि वो छापा मारने की मुहिम को कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। हमने छापा मारने वालों को ये जवाब देखे तो कहा हुजूर आपको अब छापा तो मारना ही पड़ेगा। आपको साथी और फोटोग्राफर भी आ चुके हैं हम आपको यूं जाने नहीं देंगे। फिर आपकी टीम ने तो अभी उस ग्राम में कौन को नहीं देखा है जो हमें अपने नाना की तरफ से मिलते में मिला है। बहुदा ऐसा तारीखी और यादगार ग्राम अपूर्ण है कि आप उसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ लोगों का भी यहां तक कहना है कि ये ग्राम कुम उस वक्त का बना हुआ है जब अभी साहिदानों ने खुद ग्राम कुम को ईजाद नहीं किया। अगर खुदा करे ये किसी तरह टूट जाए तो हमारे खानदान को कम से कम 1 करोड़ रुपये दिला सकता है। हमारी बात को सुनकर अफसर आला ने पहले तो हमसे ये पता किया कि ग्राम कुम कहाँ रखा हुआ है और जब उसके मैले बुकू का पता चल गया तो उसने अपने कारिंदों से कहा खबरदार जो कोई ग्राम कुम के करीब गया ये एक अजीब और गरीब घर है कि यहाँ टूटने से पहले किसी चीज का दाम तो 50 रुपये होता है लेकिन ये जब टूट जाए तो इसका दाम 50 लाख से ज्यादा पड़ जाता है। लिहाजा छापा मारना बंद करो। हमारे बच्चों ने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप छापा ना मारें आपको छापा तो मारना ही पड़ेगा हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बच्चे ने कहा मेरा एक बाल पेन पिछले 1 हफ्ते से गायब है अगर आपको छापे में मिल जाए तो मुझे वापस कर देना। हमारी बीबी ने कहा और हाँ हमारी पोती की एक अंगूठी कहीं दी गई बहुत तलाश किया लेकिन पता नहीं चला। आप लोग तो माहिर हैं आपको ये अंगूठी मिले तो जरूर दे। हमने कहा हमारी भी बात जरूरी चीजें गायब है ये फेरिस्त हम आपको बाद में दें लेकिन पहले वो जरा दिवाली घड़ी का मामला जरा कर दें। हमारी बात मशहूर थी इसलिए हमारे साथ की दोस्तों ने भी इसरार करना शुरू कर दिया कि जब तक दिवाली घड़ी की कीमत तय नहीं हो जाती तब तक छापामार टीम को यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही छापामार टीम के अरकान ने भागना शुरू कर दिया। दूसरे दिन अखबारों में हमारे घर पर छापे की तफ्तीशी खबरें छाया होगी जगह जगह चर्चे होने लगे और लोग हमें मुबारकबाद देने लगे कि छापे के एवज इनकम टैक्स वाले तुम्हें 50 लाख रुपये अदा कर रहे हैं। ऐसा तारीखी छापा आज तक कहीं नहीं पड़ा होता। इसके बाद अचानक हमारी आंख खुल गई देखा तो बड़ी दूर दूर तक किसी का नाम निशान नहीं था। हमने छापा मारने वाले कहाँ चले गए हमने दीदी से पूछा छापा मारने वाले कहाँ चले गए। दीदी ने हमें डांटते हुए कहा कोई साथ देखा है क्या कैसा छापा और कहाँ का छापा अभी मैंने तुम्हारे पर्स पर छापा मारा था सिर्फ 2 रुपये निकले। ये मुंह और मसूर की दाल और ये सुनकर हम अपनी आंखें मरने में मसूर।